गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है ग्रेट सफिनस व्हेन। तो इसमें हम सबसे पहले एक डायग्राम ऐड कर देंगे। सो गाइस, हमें एक डायग्राम ऐड कर देनी है ग्रेट सफिनस व्हेन की। तो ये जो है ये डायग्राम हमें ऐड कर देनी है। तो इसमें देखते हैं लेबलिंग क्या है। तो ये है सबसे पहले सुपरफिशियल इपिगास्ट्रिक वेन, यहाँ पे ये सुपरफिशियल एक्सटेंडेड पुडेंटल वेन, ये वाली सुपरफिशियल एक्सटेंडेड पुडेंटल वेन। नेक्स्ट है सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियाक वेन, ये वाली। नेक्स्ट है प्रोफुंडा फ्यूमरिस वेन, ये वाली। नेक्स्ट है ग्रेट सफिनस वेन, ये वाली जो कि हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पॉपलिटियल वेन फॉर्म्ड बाय वेनी कम्युनिटेंट्स ऑफ द पोस्टेरियर एंड एंटेरियर ट्यूबुलर आर्टरीज, तो ये वाला ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है शॉर्ट सफिनस वेन ड्यूरिंग ड्रेनिंग इनटू पॉपलिटियल वेन, ये वाली शॉर्ट सफिनस वेन, ये वाली शॉर्ट सफिनस वेन। डॉर्सल वेनस आर्च एंड ग्रेट सफिनस वेन। तो ये हो गया मेरे डायग्राम ग्रेट सफिनस वेन की। उसके बाद हमें ये एक और स्ट्रक्चर ऐड कर देना है जो कि आउटलाइन स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी फ्यूमोरल वेन, ये हमारी ग्रेट सफिनस वेन। तो इन दोनों के बीच में होता है अडक्टर कैनल परफोरेटर्स, यहाँ पे होती है वो पॉपलिटियल परफोरेटर्स। क्या होते हैं हम देखेंगे बाद में। ये है पॉपलिटियल वेन, बिलोनी परफोरेटर्स, पोस्टेरियर टिबियल वेन, ये वाली। ये है मीडियल परफोरेटर्स, स्मॉल सफिनस वेन, ये वाली। एंटीरियर टिबुलर वेन, ये वाली। एंड लैटरल परफोरेटर्स, ये डॉर्सल वेनस आर्च और ये है पेरोनियल वेन। तो ये आउटलाइन स्ट्रक्चर हो गया। एंड उसके यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं परफोरेटर्स। तो ये एक और डायग्राम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये एक और डायग्राम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे डॉर्सल वेनस आर्च इज़ फॉर्म बाय फोर डॉर्सल मेटाटार्सल्स वेन्स, विच इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू डॉर्सल डिजिटल वेन्स। तो ये हम डायग्राम में देख लेंगे डॉर्सल वेनस आर्च कैसा फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्रेटर सफिनस वेन फॉर्म बाय मीडियल डॉर्सल आर्च एंड मीडियल मार्जिनल वेन। तो इसके हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन 10 to 15 वॉल्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो, वन वॉल्व इज एट सफिनो फ्यूमरल वॉल्व। तो ये होगा मेरा डायग्राम। तो ये होगा मेरा ग्रेट सफिनस वेन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। डॉर्सल वेनस आर्च में हम ये डायग्राम ऐड कर देंगे डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, ये वाली। तो इसमें लेबलिंग देखते हैं हम। ये मीडियल साइड, ये लैटरल साइड, ये है हेड ऑफ फिबुला, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फिबुला, ये वाला। टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये वाली टिबियल ट्यूबरोसिटी। ग्रेट सफिनस वेन, ये वाली ग्रेट सफिनस वेन, ये शिन। मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया, मीडियल मैल्यूलस, ये जो है डॉर्सल वेनस आर्च, ये वाला डॉर्सल वेनस आर्च। एंड मीडियल मार्जिनल वेन, ये वाली। एंड लैटरल मार्जिनल वेन, ये वाली। ये है लैटरल मैल्यूलस एंड ये है डॉर्सल मेटाटार्सल्स वेन्स। ओके, तो ये हो गया मेरा डायग्राम डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और डॉर्सल वेनस आर्च। सो ट्रिब्यूटरीज में हम ये एक डायग्राम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसकी लेबलिंग क्या है। ये है ग्रेट सफिनस वेन, ये है एसेसरी सफिनस वेन, ये वाली। एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई, ये वाली, मतलब यहाँ से ब्रांच देती है। एंड अडक्टर कैनल परफोरेटर्स, ये वेन फ्रॉम द काल्फ, एंटीरियर वेन ऑफ लेग, बिलोनी परफोरेटर्स, ये वाला। अपर मीडियल परफोरेटर, मिडल मीडियल परफोरेटर, लोअर मीडियल परफोरेटर, ये मिडल मैल्यूलस। पोस्टेरियर आर्च वेन, ये वाली। एंड ग्रेट सफिनस वेन, ये वाली। तो ये होगा मेरे डायग्राम ट्रिब्यूटरीज एंड परफोरेटिंग वेन्स ऑफ ग्रेट सफिनस वेन। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज में क्या लिखेंगे, एट कमेंसमेंट मिडल मार्जिनल वेन फ्रॉम सोल, हम ये डायग्राम में दिखा चुके हैं। इन द लेग कम्युनिकेट्स विद द स्मॉल सफिनस वेन एंड डीप वेन, जस्ट बिलो द नी एंटीरियर वेन ऑफ लेग, पोस्टेरियर आर्च वेन एंड वेन फ्रॉम द काल्फ। तो ये बिलो के लेवल, घुटने के नीचे की ब्रांचेस है उसके। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इन थाई एसेसरी सफिनस वेन एंड एंटेरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई। नेक्स्ट जस्ट बिलो द जस्ट बिफोर पियर्सिंग द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, सुपरफिशियल इपिगास्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल। तो ये ब्रांचेस देते हैं वहाँ पे। तो ये हो गए हमारे ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे परफोरेटिंग वेन्स। तो वेन्स दैट कनेक्ट सुपरफिशियल एंड डीप वेन, तो उनको हम परफोरेटिंग वेन्स कहते हैं। तो इसमें टाइप होते हैं
तो परफोरेटिंग वेंस में दो टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेन एंड डायरेक्ट परफोरेटिंग वेंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेंस में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन। नेक्स्ट आती है हमारी सुपरफिशियल वेंस, एंड उसके बाद आता है डीप फेशिया, एंड उसके बाद में आता है मसल्स विद द वेनस प्लेक्सस एंड डीप वेन उसके बाद आती है। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट परफोरेटिंग में मसल्स आती है बीच में सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन के बीच में। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट परफोरेटिंग वेंस। तो इसमें क्या होता है, स्किन, ये सुपरफिशियल वेन हमारी, डीप फेशिया एंड डीप वेन। तो इसमें क्या होता है, मसल्स बीच में नहीं आती है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट परफोरेटर। तो ये डायग्राम है हमारी डायरेक्ट परफोरेटिंग वेन की। परफोरेटिंग वेंस में हमें एक और डायग्राम ऐड कर देंगे, डायग्राम ऑफ परफोरेटिंग वेंस ऑफ लोअर लिम की। तो इसमें देखेंगे परफोरेटिंग वेंस कौन कौन से है, फ्यूमरल वेन एंड लॉन्ग सफिनस वेन, अडक्टर कैनल परफोरेटर, पॉपलिटियल वेन, शॉर्ट सफिनस वेन, नी बिलो परफोरेटर, बिलो नी परफोरेटर सॉरी, अपर मिडल परफोरेटर, मिडल मिडल परफोरेटर एंड लोअर मिडल परफोरेटर। तो ये होगा मेरा डायग्राम, एंड ये है लैटरल परफोरेटर। तो ये होगा मेरा डायग्राम परफोरेटिंग वेंस ऑफ लोअर लिम की। नेक्स्ट हम लिखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। तो अप्लाइड एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, कार्ल पंप एंड पेरिफेरल हार्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन द अपराइट पोजिशन ऑफ द बॉडी द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लोअर लिम इज डिपेंड लार्जली ऑन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ काफ मसल। फॉर द रीजन सोलियस इज कॉल्ड पेरिफेरल हर्ट। तो ये हो गया हमारा कार्ल पंप एंड पेरिफेरल हर्ट, जो कि सोलियस मसल काम करती है वहाँ पे। कट एंड ओपन प्रोसीजर एंड वेनस सेक्शन इज डन ऑन द ग्रेटर सफिनस वेन, इट लाइज इन अपर मिडल मैल्यूलस। ओके, तो नेक्स्ट है वेरिकोज वेन्स एंड अल्सर सीन इन लोअर लिम एंड एलिफेंटासिस, जो कि फिलेरिया कॉज करता है एलिफेंटासिस। तो ये हो गया मेरा अप्लाइड एनाटॉमी का।